जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सीनियर मैनेजर निमरा हेयर बाय ओरिफ्लेम पाकिस्तान। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्ती टिप लेके आई हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त सा फॉर्मूला लेके आई हूँ जिसे आप अपने ओरिफ्लेम बिज़नेस में यूज़ कर सकते हो। और टॉपिक हमारा आज का ये है कि आप लोग किस तरह अपने बीपीज जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप सब एक छोटा सा काम करिए, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो जल्दी से आप मेरे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सो ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो अपने हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का फॉर्मूला मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, हाउ टू जनरेट बीपीज इन ओरिफ्लेम। ये एक बहुत ही इजी मेथड है जो कि आप सब अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो, किसी को भी इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। सो सबसे पहले जैसे कि आप सबको पता है कि दिसंबर आने वाला है और हम अभी से ही दिसंबर की प्लानिंग कर लेते हैं अपने बीपीस को, किस तरह हम लोगों ने दिसंबर में कवर करना है और ऑर्डर्स कलेक्ट किस तरह हमने करने हैं। तो हम दिसंबर को ही आज एग्जांपल में भी लेंगे, ठीक है। सो दिसंबर और जितने भी मंथ्स होते हैं तकरीबन सब में 1 से 30 डेज़ होते हैं और 31 डेज़ भी होते हैं, ठीक है। नॉर्मली 30 डेज़ होते हैं लेकिन कुछ में 31 डेज़ भी होते हैं, तो हम लोगों ने दोनों की दोनों को ही कंसिडर करना है। सबसे पहले अब दिसंबर आ रहा है तो हम अपने डेज़ को डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम 7 डेज़ का पहले हम चार्ट बनाते हैं कि हमने इसमें अपने बीपीस किस तरह कवर करने हैं। इसको कहते हैं 1 वीक, ठीक है। हमने 1 वीक में अपने किस तरह बीपीस जनरेट करने हैं। डेली आपने 10 बीपीस कलेक्ट करने हैं, 10 BPs का ऑर्डर कलेक्ट करना है, ठीक है। और ये हर किसी से इजीली हो सकता है अगर आप चाहें तो। आपने डेली लोगों से बात करनी है, आप ऑनलाइन वर्क करें, ऑफलाइन वर्क करें, जैसे भी वर्क करें, आप जब डेली लोगों से बात करेंगे तो डेफिनेटली 10 BPs का आपका ऑर्डर कलेक्ट हो जाएगा। 10 से ज़्यादा का भी हो सकता है लेकिन कोशिश करें मिनिमम एटलीस्ट आपका 10 BPs का होना चाहिए ऑर्डर कलेक्ट। इसी तरह सेकेंड डे भी करना है, इसी तरह थर्ड डे भी, इसी तरह हमने पूरे वीक में बीपीस जनरेट करने हैं 10 BPs डेली। इसके बाद जो 10 BPs हैं वो हमारे 800 से 850 के बीच हो जाते हैं, ठीक है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई आपसे फर्स्ट टाइम भी बाय करे तो वो ट्राई के लिए एटलीस्ट एक प्रोडक्ट आपसे ज़रूर लेगा, ठीक है। और इसमें आपको 200+ का प्रॉफिट हो सकता है डेली, डेली आपको 200+ का प्रॉफिट होगा। तो अगर हम 200 को 7 डेज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके हमारे पास 1400 का वीकली प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, वीकली प्रॉफिट। इसी तरह आपने सेकंड वीक भी आपने यही करना है, ठीक है। सेकंड वीक भी आपने 10 BPs के ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं और इस तरह आपके पास 70 BPs का सेकेंड वीक भी ऑर्डर कलेक्ट हो जाएगा। टोटल आपके पास week 1 + week 2 इन दोनों के 70 + 70 BPs मिला के आपके पास 40 BPs का ऑर्डर कलेक्ट हो जाएगा 2 वीक्स का। सेम आपने थर्ड वीक भी प्रोसेस को फॉलो करना है और फोर्थ वीक भी आपने प्रोसेस को फॉलो करना है और पूरे मंथ में आपके 280 BPs कलेक्ट हो जाएंगे। इजी है ना ये मेथड। अब तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना, आपके 300 के करीब BPs हो जाएंगे जनरेट और आप अपना 3% लेवल भी कर सकते हैं अगर आप न्यू मेंबर हैं और आपके पर्सनल BPs भी अपने इजीली हो जाएंगे। प्रॉफिट का भी मैंने बता दिया है, डेली जब आप 10 BPs का ऑर्डर कलेक्ट करेंगे उसमें आपको 200+ का प्रॉफिट होगा। तो जब आप वीकली करेंगे तो 1400 होगा, सेकेंड वीक भी जब आप कलेक्ट करेंगे तो 1400 का प्रॉफिट होगा। सो 1400 को अगर हम 4 वीक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 5600 आता है, आपका मंथली 5600 से 6000 तक का प्रॉफिट ही हो जाता है।
एक बात हमेशा याद रखनी है आप सब ने कि आपने कस्टमर्स बनाने हैं, लॉयल कस्टमर्स बनाने हैं, आपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना अपने. जब जब लॉयल कस्टमर बनाएंगे वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे, आपसे फिर से बाय करेंगे, आपके रेगुलर कस्टमर बनेंगे, आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे. कभी भी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश आपने नहीं करनी, अपने लॉयल कस्टमर्स बनाएं, ठीक है. सो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा. और अगेन आई एम सेइंग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियो आपके साथ शेयर की हो जाए. सो फाइनली निम्रा इम्तियाज़ इज साइनिंग आउट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर लव्ड वंस. अल्लाह हाफिज़.